नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना अनमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह विषय अत्यंत गंभीर है और आपसे निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसी भी देश की शक्ति और देश की सुदृढ़ता, किसी भी देश की तरक्की उसके युवाओं पर है। युवा वर्ग जिस देश का जितना जागृत होगा वह देश उतनी ही तरक्की करेगा और उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक अटल सत्य है कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उसके युवा वर्ग को बर्बाद कर दो, उसकी नींव खोखली कर दो। ये एक अटल सत्य है। इस बुराई से अपने देश के युवाओं को बचाने के लिए नगर परिषद हनुमानगढ़ के कुछ पार्षद वे कुछ समाज सेवी संगठन आगे आए, जन जागृति अभियान चलाया, जिसके तहत एक रथ यात्रा पूरे शहर में घूमकर नशे व कई सामाजिक बुराइयों से बचने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रही है। इनका उद्देश्य मात्र इतना कि समाज निर्माण हो ऐसा जिसमें कि देश की तरक्की व देश की सुदृढ़ता निश्चित की जा सके। इसी सिलसिले में आज हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सर्वोदय बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष सावरमल जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर सौरभ जी राठौड़, मुख्य वक्ता बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र जी गोयल, वरिष्ठ अतिथि अनिल चिंदा जी, यातायात प्रभारी, विशिष्ट अतिथि भूप सिंह जी, पुलिस चौकी प्रभारी, वरिष्ठ पार्षद पति निरंजन नायक, पार्षद पति अशोक गोरी, जगदीश सिंह विक्की, रमजान जी व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वरिष्ठ अतिथि बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह जी चौहान आदि भी इसमें सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया, एक प्रतिज्ञा दिलाई गई जिसमें कि प्रत्येक युवा आने वाले समय में देश निर्माण में, देश हित में, समाज निर्माण में साथ देगा व देश की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने का एक प्रतिज्ञा ली गई। इसमें यातायात नियमों का पालना के लिए भी कहा गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। आज यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में सर्वोदय बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें पूर्व में एक यहाँ पार्षदों द्वारा एक नशे के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी और मुहिम में पूरे शहर में रथ भी घुमाया गया था। उसके उपलक्ष्य में आज एक प्रोग्राम रखा गया था स्कूल में कि नशे के प्रति, नशे के खिलाफ और ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ। और यहाँ मैं ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते मुझे इनविटेशन दिया गया था। आज यहाँ बच्चे जो छात्र छात्राएँ जिनको मैंने यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है, और नाबालिग बच्चे जो 18 वर्ष की कम आयु के बच्चे हैं वो वाहन लेकर घूम रहे हैं, पेरेंट्स उनको वाहन दे रहे हैं, उनकी जिद के आगे झुक जाते हैं, और इसके बारे में बताया। और मेरा यही कहना है ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि ज़िंदगी को बचाया जा सके। एक ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, जब भी हम किसी के डेथ हो जाती है दुर्घटना में, हम उनके घर पर जाकर सांत्वना तो दे सकते हैं बट लाइफ को नहीं ला सकते, जीवन को नहीं ला सकते हैं। यहाँ बच्चों को जानकारी दी गई है ताकि ये बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को बताएंगे, पड़ोसी को बताएंगे। हमारे हनुमानगढ़ इलाके में जिस तरह से एक नशा जो है वो कहीं ना कहीं नासूर बनने की श्रेणी में जाता जा रहा है, नासूर होता है। नासूर का मतलब ये होता है यदि अगर किसी के कोई चोट लग जाती है, कोई जख्म हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता, आजीवन उस पर पट्टियाँ ही होती रहती हैं, उसको बोलते हैं नासूर। इस तरह के हालात बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है हमारा इलाका नशे को लेकर के, तो उसके खिलाफ जो हमारे इलाके के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे इलाके के पार्षदगण हैं, उन्होंने जो एक मुहिम चलाई है नशे के खिलाफ, और भी जो अन्य पार्षदगण हैं इसमें, और कहीं ना कहीं हमारे जो बाल कल्याण समिति के हमारे यहाँ जिले के अध्यक्ष हैं जितेंद्र गोयल, और हमारे हनुमानगढ़ जिले के कप्तान साहब,
मेरे को ध्यान आ रहा है कि कप्तान साहब जब यहाँ आए थे राठौड़ साहब, उस समय उन्होंने बहुत बड़ी उन्होंने जो है वो कार्रवाई करी थी और निरंतर वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन चूंकि नासूर बनने की ओर अग्रसर होता जा रहा है, ये जो मुहिम चलाई गई नशे के खिलाफ ये अति सराहनीय है और निश्चित रूप से नशे का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। उसी कड़ी के अंदर आज जो यहाँ सर्वोदय स्कूल में जो यहाँ जन जागृति अभियान जो हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जा रहा है, आज सर्वोदय स्कूल के अंदर आज जो यहाँ जन जागृति अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ है। आज हनुमानगढ़ जंक्शन में सर्वोदय बाल निकेतन विद्यालय में हमारे जागरूक पार्षदगणों द्वारा नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान जो चलाया गया है, नशा मुक्त हनुमानगढ़, उसके तहत आज बच्चों के बीच एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बाल कल्याण समिति और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और भी समाज सेवी लोग पधारे और बहुत अच्छा लगा। बच्चों को यही बताया गया कि नशा व्यक्ति को खोखला कर देता है और आज जो इस क्षेत्र में ये कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ इंटीरियर एरिया बहुत है और छोटे बच्चे नशे में लिप्त होते जा रहे हैं, इसको लेके बाल कल्याण समिति ने और मनकी उड़ान फाउंडेशन ने जिला कलेक्टर महोदय के सानिध्य से यहाँ पे एक संस्कारित पाठशाला भी खोली है जिसमें काफ़ी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा गया है। लेकिन इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए जो पार्षदगणों ने ये नवाचार किया है, इसकी भी पूरा प्रशासन और बाल कल्याण समिति भी आभार व्यक्त करती है कि आप जगह जगह जो आपने ये रथ यात्रा स्टार्ट की है, इसमें गली नुक्कड़ मोहल्लों में जाके जो जागरूक किया जा रहा है और अवेयर किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आज सर्वोदय स्कूल के अंदर सर्वोदय स्कूल की तरफ से नशे के खिलाफ जन जागृति अभियान चलाया गया था जिसमें बच्चों को श्रीमान अनिल चिंदा जी द्वारा ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और मेरे द्वारा नशे के खिलाफ इन बच्चों को समझाइश की गई। बच्चों को बताया गया कि भी समाज के अंदर नशा कितना बुरा प्रभाव डालता है। बच्चों को दो अच्छे अच्छे उदाहरण भी बताए मैंने और दो बहुत अच्छे उदाहरण बताए और अन्य जानकारियाँ भी बच्चों को दी है भी किस तरह से रहना है, क्या करना है, रात के टाइम निकलना है या नहीं निकलना है, किसी के साथ रहना है या नहीं रहना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। तो ये बच्चों को अच्छी तरह से आज समझाइश की गई है। और इसके अलावा गणमान्य नागरिक इकट्ठे हुए हैं, निरंजन जी पार्षद, रंजान जी, सौरभ जी राठौड़, अन्य लोग भी, कई लोगों ने जानकारियाँ दी है बच्चों को नशे के खिलाफ, तो बड़ा अच्छा लगा आज। मैं चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम भविष्य में भी होते रहें, हर स्कूल के अंदर हों, इस तरह के प्रोग्राम गली मोहल्ले में भी हों और अन्य जगहों पर भी इस तरह की जन जागृति अभियान चलाया जाए।